कैश रिस्क ले क्या कहना चाहेंगे अस्सलाम वालेकुम और कैसे बिल्कुल ठीक सर क्या कहना चाहेंगे जल्दी जल्दी सर अच्छा अच्छा मैं एक के बात पूछनी थी कि आपने जो एपोस्टेट इमाम का जो केस हुआ है उसमें आज आपका तो कुछ हाथ नहीं नहीं मेरा क्या हाथ होना यार आई डोंट नहीं असल में हाँ मतलब आ. कोहराम जो है वो कोहराम कह रहा था यू नो इनका हाल ऐसा हो रहा है यासिर नदीम अलवाजती जो मुफ्ती है वो जैसे काम कर रहा है ये भी ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि कुहराम तो सबके पीछे पड़ जाता है ना वो तो तो या उसने यानी इनको ब्लैकमेल मतलब उस... करता मैं हमने सुना है मैं कंफर्म कुहराम तो ब्लैकमेल करता है इन लोगों को कुहराम इनको ब्लैकमेल करता हाँ इनको ब्लैकमेल करता हूं हाँ, तो ब्लैक अभी अभी जैसे ये अपोस्टेट इमाम के साथ स्ट्रीम हुई थी कुहराम की तो उसमें हदीस जो है प्रॉफिट की बात कर रहे थे आप

पंजाबी में है, नहीं, लिख दे। <laughs> नहीं लिख दे। अच्छा ऐसा <laughs> तो इसमें कोई नहीं वो अब देखें देखें <laughs> वो होता असल में ये है कि ये मैं पहले भी अक्सर कह चुका हूँ कि मैं किसी को जज नहीं कर रहा मैं फिर ये कह रहा हूँ किसी का कोई मसला है अनफॉर्चुनेटली किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हमें पता है कि ये कुछ लोग जो है बेचारे सच वाला जी या ये इमाम ये बेचारे बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं हमें पूरा नहीं पता हमें पता को लैप है लैपटॉप वगैरह मिलते हैं इनको पता नहीं फोन या हो सकता है उनकी मजबूरी हो जिस तरह वो राइस बैग कन्वर्ट कर मजाक उड़ाते है न, आ, राइस बैग राइस बैग तो ये भी एक तरीके का लैपटॉप बैग है <laughs> तो ये उनको अगर फिर मैं ये कह रहा मैं क्या पता उसकी बेचारे की क्या मजबूरी हो वाले की क्या मजबूरी हो उसकी दूसरे की क्या मजबूरी हो हमें नहीं पता इस बात का लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एक्टिविस्ट बनना मुझे ये कुछ अर्सा पहले पता चला था कि ये पॉस्टेट इमाम कौन है ये मेरे से कुछ ढाई तीन साल पहले उस पर बात करता था फेसबुक पे तो मुझे मैंने इसको यही वक्त मशवरा दिया था जो इसकी कंडीशन थी मैंने कहा था यार आप एक्टिविज्म ना करो इस चक्रों में ना पड़ो आपको अगर इतना डर है पैरानोया है कि कोई आके मार जाएगा आपको तो अभी अपने आप को ठीक करो फिर बाहर जाने बट आई डोंट नो ही वांटेड टू बिकम एन एक्टिविस्ट तो वो एक्टिविस्ट बन गया अब एक्टिविज्म आप ये एक काम करें एक्टिविज्म एक्टिविस्ट जो होता है उसकी मॉरल अथॉरिटी जब तक नहीं होगी आप उसको क्या समझेंगे अगर आपको पता चल जाए एक्टिविस्ट का कोई फलाना एजेंडा है या कोई फलाने से इसने पैसे पकड़े हुए हैं या उसकी मुंह पे उसकी बात की हुई है उसके मुंह पे उसकी बात की हुई है आप उस एक्टिविस्ट के मैसेज को कहां सुनेंगे तो बाद में हमें पता चला है उसकी कोई बहुत सारी ऐसी बातें मैं वो बातें नहीं करूंगा कि उसने पता नहीं उधर भी लारे लगाए हुए थे उधर भी लारे लगाए हुए थे उसको भी उधर से भी कैश इन करने की कोशिश की कैश इन में ये नहीं कह रहा पैसों के मामले में बस जस्ट टू गेट आउट ऑफ ऑफिसन फिर वो पड़ गए इन लोगों के हाथ में ये कोहराम वगैरह जैसे लोग जो ये तो कोहराम जो है मैं जितने भी, भी इंडियन एक्स मुस्लिम है लेट मी जो लोग इस चक्कर में अभी नहीं फंसे उनको मैं क्लियर बता रहा हूं कि ऐसे टुन्नियों के हथे में मत चढ़ना ये बड़े खतरनाक लोग हैं या आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे या आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे अपना पोलिटिकल एजेंडा रखेंगे सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दिस पीपल ये लोग जो हैं ये फंसे हुए हैं मुझे इनसे हमदर्दी है एक लिहाज से लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते अब जो आप किसी के आगे लेट गए हैं अगर किसी के आग, आपने किसी के हवाले अपनी सारी इंटेग्रिटी वगैरह रख दी है तो वी कांट हेल्प यू

हजरत मोहम्मद ने तो मुसलमान ऐसा ही करेंगे सब ऐसे ही होते हैं का पूरा खूब खुल के बताया जाता कि यही तो है ना, करते यही तो टूनी है, है हमारा मकसद मुसलमानों को समझाना है ठीक है मैं आपको एक बात बता दूं अगर मैंने इनमें से कितने हैं जो झूठे एक्स मुस्लिम बने हुए हैं मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि अगर मैं कहता ना कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ किसी का बाप भी नहीं मुझे पहचान सकता था ये मैं आपको छोटी से बता सकता हूँ मैंने मैंने को मेरे से ज़्यादा आती है अभी भी मैंने किसी को भी जब मैंने नहीं बताया था तब भी मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं मुसलमान था फोन नंबर लेते हैं उसकी तस्वीरें लेते हैं बैक स्टेज उनको कहते हैं कैमरा ऑन करो जब उसका कैमरा ऑन करा लेते हैं खासतौर पर जिस बंदे का नाम ले रहे थे कोहराम का यही ये काम करता है और हम तक रिपोर्टें पहुंचती हैं ठीक है फिर ये उनको ब्लैकमेल करते हैं बाद में दूसरी बात है कि पोस्टेड प्रॉफिट ने अगर उसको पकड़ लिया तो भाई झूठ पकड़ा जाता है सही है अगर आपको लग रहा है ना कि हमने बताया ठीक है फर्ज करो अगर फर्ज कर लेंगे जी हमने बताया अगर हम ना भी बताए ना कोई भी ना बताए तो पोस्टेड प्रॉफिट को तुम बेवकूफ समझते हो एक बंदा चार लाख का चैनल बैठ के चला रहा है तो वो स्टूपेड है जो वो चार लाख का चैनल चला रहा है वो ये सारे काम जानता है दूसरी बात है कि आप आप हम पे इल्जाम दे रहे हो तो पहले जरा ये भी तो बताओ ना कि ये बंदा उधर कैसे पकड़ा गया था फिर उसके पास दूसरे के पास क्या उसका नाम है यार आ, अली क्या इसको क्यों पकड़ लेते लेते हैं लोग हम 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 भी तो हम नहीं पकड़ते क्या हम नहीं टेस्ट लोगों के इधर जब कोई आता है आगे कोई मुसलमान हिंदू बनने की कोशिश करे तो मैं उसका टेस्ट लेता हूँ कोई मुसलम हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश करे तो मैं उसका भी टेस्ट लेता हूँ क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग सच बोले इस्लाम पे तनकीद आप सौ बार करें मगर जब आप हिंदुज्म को सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ना या हिंदुज्म के खिलाफ बात नहीं करते तो तो यहां आप स्टूपिड हैं या आप कॉम्प्रोमाइज दो में से एक बात हो सकती है ठीक है अब ये फैसला इनको करना है कि ये अपने आप को स्टूपिड दिखाना चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज दिखाना चाहते हैं और बार बार नजर ये आता है कि ये लोग सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है ये डिसऑनेस्ट भी है बहुत सारे क्योंकि जब इनसे जाके कोई पूछे इस्लाम की इतनी बातें करते रहते हैं और जब इनसे जाके कोई पूछे हिंदुइज्म की तो इनके मुंह से एक भी नहीं निकलती ठीक है खतरे में भी हो सकते हैं सब कुछ हो सकता है मगर इंडिया में रहते हुए इंडिया में रहते हुए भी ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुइज्म पे बोलने से बाज नहीं आते

क्या वो नहीं के बात करते ठीक है है सामने वो बंदा बैठा और दिन रात अगर उसको कोई कुछ कहे ना कि हाँ, तो कहता ठीक है भाई मुझे मार दो ना तो देख लेंगे फिर क्या हो। सही है तो वो बंदा जो है वो वो मैं... ऐसे, ऐसे इंडियन एक्स मुस्लिम की हम बहुत इज्जत करते हैं सलीम नास्तिक जैसे जैसे शकील प्रेम जैसे जफर करते हैं और वो अगर अगर इनमें से कोई भी कभी प्रॉफिट के पास भी जाएगा ना इनमें से कोई उनकी हाँ तो उनकी इज्जत होगी और उनको सलाम होगा उनको सलूट होगी ठीक है मगर अगर को उसके पास जाएगा, तो आप उसे स्टूपिड समझते हैं। हमें को कुछ की नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है वो वो पहचान लेगा सब कुछ, -कुछ और वो दूसरी बात ये है ये ओवर प्ले करना मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि आपकी जान को पाकिस्तान इंडिया में मुसलमानों से खतरा हो सकता है आप शकल छिपाई भी मैं निकल रहा हूँ आप करें बात ओके okay, मेरी डिलीवरी आई है अच्छा आप डिलीवरी होने अच्छा आपने जो आप शकल छुपा के बात कर रहे हैं आपने आवाज बदली भी है इतना बड़ा इंडिया है आई एम श्योर यू कैन गो एंड लिव इन प्लेसेस वेर आप अपने एनोनिमिटी भी रख सकते हैं जैसे जफर हेरिटेक ने रखी है स्लीम नास्तिक शकल दिखा के लोगों को पता है वो कहां पे रहता है शकील प्रेम ने शक्ल दिखा के काम किया हुआ सो गाइस कैन डू इट लेकिन फिर अगर आपने उसी का करना है क्योंकि आपको अगर कहीं से थोड़े से थोड़े पैसे मिल गए हैं तो पैसे ले बनाना कोई बुरी बात नहीं है अपने एक्टिविज्म का अगर आपको पैसा मिलता है उस उसको कोई बुरी बात नहीं लेकिन अगर आपने शॉर्टकट ढूंढे हैं तो मुझे इधर से कोई ने पैसे दे दिए या पता नहीं किसी ने डिक्श ने दे दिए हैं जो भी किया so आपकी वैल्यू नहीं है आई एम सॉरी नो बडी रिस्पेक्ट यूक चले बहुत शुक्रिया बस एक बात कहना हाँ मैं ये कह रहा था कि आपकी तारीफ करूंगा मैं इस बार में क्योंकि मैं असल में उन्हें उनमें और आप में एक ये फर्क फर्क देखा क्योंकि आपने जब पहले हदीसें बयान की थी ना इस बारे में ये नबी के किरदार के बारे में जब आप बुरी बुरी हदीस खोल के दिखाते थे तो आप कभी आपके दिल से ये नहीं दिखाई दिया मुझे कि कभी आप ये कह रहे हो कि ये बुरी बात है या मतलब कोहराम को मैंने देखा है तो वो एकदम कहता है छी छी कितनी गंदी बात है ऐसे और जब मैं आपको देखता था क्योंकि अंदर से मुझे जब उस वक्त में मुसलमान ही था लेकिन अंदर से मुझे ये होता था कि यार ये रिएक्शन क्या करेंगे हाइस भाई और उस तरह उस तरफ आपका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता था आपको लग, ऐसा लगता था मानो कि आपको पता है कि ये बात मुसलमानों को पता ही नहीं है और कोई इनको इन पर अमल नहीं करता होगा लेकिन इनके कोहराम की तरफ से बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे ही हिंदुओं को बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान इस तरीके से होते हैं ये बुरे अमाल करते हैं इस वजह से ये बात बताने चाहता था और मैंने बल्कि उन्हें कहा भी कि मुसलमानों को समझाओ तो मुझे बिलॉक भी, भी कर दिया था इन्होंने मुसलमानों का मसला ये है देखें मुसलमानों को सिखाया गया कि आपने जज्बाती होना है इस्लाम के ऊपर रसूल अल्लाह की जो शान में गुस्ताखी करेगा उनको मारता लेकिन मुसलमान इंसान है उनको उनकी आप ट्रेनिंग करें कुछ लोग लॉस्ट कॉजेज हैं लेकिन आप उनकी ट्रेनिंग करें उनको बताएं उनके अंदर क्या उनकी इंसानियत को झंझोड़ें उनकी इंसानियत को जगाएं ये जो एक अस वर्सेस देम वाला जो है ना ये हम कभी भी नहीं रख सकते क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि हम वो एक्स मुस्लिम है क्योंकि हमारे दूर दोस्त, बहुत लोग हैं जो मुसलमान है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं लेकिन वो आपको आपका सरतन से जुदा करने पे यकीन नहीं रखते उनको तकलीफ होती है कि आप यार हमारे मजहब को ना ही छेड़ो क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट है लेकिन सारे ऐसे नहीं है तो जब ये लोगों को इंडिविजुअलिज्म का इन, लोगों को इंडिविजुअलिज्म का नहीं ना जब तक इन्हें समझ आएगा तब तक ये लोग यही हरकतें करेंगे जिससे इंसानियत को नुकसान होता है एनीवे थैंक यू आपने कुछ कहना हाँ, था थैंक यू फॉर टेकिंग मी हारिस uh, आपने मुझे दोबारा लिया इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मैं इस सब्जेक्ट को एक हफ्ते से देख रहा था क्या हो रहा है सबसे पहले कुछ चीजें टुनियों को ना समझानी पड़ती है इसलिए हम उनको टुन्नी बोलते हैं ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं अपोस्टेट प्रॉफिट और अपोस्टेट इमाम में ये कह रहे हैं जब अपोस्टेट प्रॉफिट uh, अपने आप को प्रॉफिट कह सकता है विदाउट डिग्री अपोस्टेड तो इमाम क्यों नहीं इसका सिंपल आंसर है दोस्तों आपको भी पता होगा प्रॉफिट इज द सब्जेक्टिव टर्म विच इज क्लेम जैसे आप बोल सकते हो आप प्रॉफिट हो मैं प्रॉफिट हूं लेकिन जो इमाम है ये ऑब्जेक्टिव टर्म विच नीड्स क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्योंकि हर इमाम ने मदरसा नहीं किया होता लेकिन नमाज पढ़ाता है तो अपोस्टेट इमाम ने जफर हेरिटेज के शो में बोला था मैं नमाज पढ़ाता था इसलिए मैं इमाम हूं लेकिन बाद में फिर अपोस्टेड प्रॉफिट में आके बोलता है मैं तो नमाज नहीं पढ़ाता और मैं तो स्कॉलर नहीं हूं मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो दोस्तों जरा टर्म्स को सोच लिया करो प्रॉफिट जैसे मैं बोलू मैं सूफी हूं मैं क्लेम कर सकता हूं लेकिन मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकता डॉक्टर नीड्स डिग्री इमाम नीड्स डिग्री और एक्सपीरियंस तो इसलिए और मुझे एक बड़ा अफसोस होता है अपोस्टेट प्रॉफिट ये अपोस्टेट इमाम मेरा भाई है इंडिया का है यार आप इंडिया की बेजती करा रहे हो आप पता है आपको पता ही नहीं आप कितनी मुल्क की रसवाई कराते हो ऐसे झूठ बोल के आप अगर एक्टिविज्म करोगे दूसरी चीज हारिस जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक मालिश को भी लिंक भेजा है वो आना चाहें शायद अगर अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जब हम कुरान और हदीस की बात करते हैं ना तो हम ये बता रहे होते हैं मुसलमानों तुम्हें ये कुरान का नहीं पता इसलिए तुम इस्लाम छोड़ दो लेकिन जो ये टुनी गैंग है ये कुरान और हदीस जैसे कुरान जैसे सच वाला साहब है या अपोस्टेड इमाम ये क्योंकि हिंदुत्वा को खुश करना चाहते हैं ये ये शो करते हैं कि मुसलमानों को पता है हम बता रहे हैं कि इसको छोड़ दो तुम्हें नहीं पता और ये लोग बता रहे हैं कि इनको पता है कि कत्ल करना सही है मुसलमानों को मुसलमानों को नहीं पता कुरान की कई आयतें तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये कुरान ये ब्लैक मेलर है ये बंदा मैं अच्छी तरह जानता हूं दोस्तों अब ये लोग क्या कर रहे हैं अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो साइंस है ना साइंस हम उनको पसंद करते हैं उसके जरिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ये कुरान जैसे लोग साइंस के दुश्मन है मिसाल के तौर पर ये कहते हैं मैंने सुना कहते हैं कि हम डार्विन को रसूल मानते हैं हम तो डार्विन को रसूल नहीं मानते तो ये बेचारे मासूम जो टुनी लोग उनको मिस गाइड कर रहे हैं ठीक है लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा एक और बात जो ह्यूमन विद साइंस है या साइंस जर्नी है यार ये हमें एज ए पाकिस्तानी नहीं रहते ऐसे एज ए इंसान लेते हैं तो जो टुनी होते हैं वो एज ए हमें पाकिस्तानी करके नफरत लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी निशानी है कि अपोसट इमाम जिन लोगों से जुड़ा हुआ है वो हमें एज ए पाकिस्तानी नफरत करते हैं लेकिन ह्यूमन विद साइंस हो गया या सलीम नास्तिक हो गया ये लोग हमसे नफरत नहीं करते क्योंकि ये लोग रैशनल है ठीक है एक और बात जो लास्ट है कि साइंसदान और साइंस हम साइंस जो है ना साइंस उसको मानते हैं साइंस दान की बात भी उस वक्त मानी जाएगी जब वो लॉजिकल होगी और वो प्रूव्ड होगी तो दोस्तों मैं हैं तो है, है, ब्लैकमेल ना हो हम लोग इंसानियत की बात करते हैं और साइंस की बात करते हैं जी हर शुक्रिया ये मैंने आपने जो पॉइंट उठाया था शो दिस, हाजिक ये झूठ होते आप पकड़े जाते हैं हर

उन्होंने यही पॉइंट दिया कि मैं आम, नमाज पढ़ाता था मैं ये मानने के लिए तैयार था प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वाकई एक के लिए डिग्री होने की जरूरत नहीं है इमाम के लिए एक पोजीशन है आपकी एक मस्जिद होनी चाहिए आपको नमाज पढ़ाना चाहिए स्कॉलर ये लोग छोड़ देते हैं मुझे पता है इंडियन लैंग्वेज में आमतौर पर ऐसे ही कह देते हैं जैसे वो डिक्श ने उसको कह दिया सच वाला जीज अ स्कॉलर सही यू कांट थ्रो दर्ड स्कॉलर आपने स्कॉलर वर्ड अगर थ्रो करना है तो आई कैन ऑल्सो कॉल सेल्फ स्कॉलर स्कॉलर ये नहीं होता स्कॉलर की एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है स्कॉलर को word को वर्ड डिमीन नहीं किया जा सकता आपने मल्टीपल डिग्रीज और आपके पास पीएचडी होनी चाहिए आपके रिसर्च पेपर लिखे हुए होने चाहिए दैट इज समन कैन बी कॉल्ड अ स्कॉलर इंजीनियर बल्कि उसको भी नहीं माना जाता इंजीनियर मिर्जा ने हजारों रिसर्च पेपर लिख दिए हैं सैकड़ों

You've done a PhD. <laughs> तो ये सारी चीजें जो होती है ये और ये भी होता है कि जब आप अपने आप को चेक में नहीं रखते आपके मुंह से ऐसी हल्की हल्की बातें निकलती रहती है जो कि फिर आप पकड़े जाते हैं मेरे आपको कोई बात नहीं पकड़ी जाएगी चार साल हो गए मुझे काम करते हुए क्योंकि मेरी ये पॉलिसी है मैं ये नहीं कह रहा मेरे को बड़ा कुछ सेल्फ राइस किसम का आदमी हो मैं कभी झूठ नहीं मैंने कभी पब्लिकली झूठ नहीं बोला बोलना भी नहीं है उसकी वजह ये है कि जिस दिन झूठ बोल दिया इतनी वीडियोस है, हमें तो खुद नहीं याद रहती तो हजार के करीब वीडियोस चली हुई है जी, आपने ये लिखा, आपने किताब में ये लिखा अगर झूठ लिखा होगा बंदा भूल जाता नहीं याद रह सकता सो दैट्स सर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कल की बात है आप ये बताएं इमाम ज्यादा बड़ा होता है या रसूल आप कहेंगे रसूल ज्यादा बड़ा होता है तो किसी चैनल पर एक रसूल है आपको मालूम है जिनकी बात कर रहा हूँ

उसके बाद जाकर जब आप क्लेमिंग कर रहे हो यूट्यूब पर बैठ के बहुत सारे लोग हम देखते हैं शक्ल नहीं दिखाते हैं मगर वो अपने आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो अपने आपको स्कॉलर्स बोल रहे हैं ये टर्म्स बहुत बड़ी टर्म्स हैं आप जो है यहां पर बैठ कर किसी से हार्ट अटैक की एडवाइस नहीं ले सकते हो जो बंदा अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता है राइट हाउ कैन यू ट्रस्ट आर अदर पर्सन दैट इज डेट तो अगर इन्होंने अपना नाम रख भी लिया चलो हम आपके नाम को भी वो कर देते हैं मगर वेन यू सिट ऑन सम सम्स और वहां पर बैठ के क्लेम कर रहे हो अब हो ये रहा है कि जो इंडिया की आवाम है इज इज पॉपुलेशन पॉपुलेशन एंड ऑफ टूनिस ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है इसी वजह से ये ज्यादातर उर्दू चैनल्स पे आपको देखेंगे और ये सब स्पेसिफिक चैनल्स है वहां पर आपको जो है ट्रैफिक भी दिखेगा अब ये इन्होंने खुद इमाम साहब ने कहा था एक चैनल पे बैठ के कि मैं चाह रहा था कि हमारा इंटरनेशनली ब्रेक करें हम इंटरनेशनल किसी एक्स मुस्लिम के पास जाएं हमारे इंडिया का भी एक्स मुसलमानों का नाम हो तो बात सुने आप कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसको आप लोग बेवकूफ बना सकते हो इंटरनेट पे जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो वहां पे बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं जो ये ऑलरेडी पांच साल से काम कर रहे हैं आप समझ रहे हो कि आप जाके उनको चूना लगाओगे सो द इंटरनेशनल पीपल जो बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं बैठे आप सिर्फ अपने ही टाइप के लोगों को बेवकूफ बना सकते हो तो कल इनको एडवाइस यही दी गई है कि आप अब एक एक तो वीडियो बनाए इसपे रिबर्टल वो भी अपोजिट प्रॉफिट पे बनाए ये प्री प्लान किया था उसने अब ये ना, बस और अभी थी बनाएंगे अपने पैरों पे और कुल्हाड़ियां मारेंगे वही वो जो बांदरों के हाथ में बंदूक आई होती है इंटरनेशनल हाँ। त... फोर्सेस काम कर रही है इंडिया को बदनाम करने के लिए वो एक वीडियो किसी ने भेजी थी मेरा ख्याल मैंने, खाल मैंने <laughs> आप, अपने ग्रुप में आपके साथ शेयर की थी ना वो पता नहीं वो बंदा कौन था ना मुझे उसका वो वीडियो की क्वालिटी इतनी गंदी थी मुझे उसका नाम पढ़ा भी नहीं जा रहा था सनात पता नहीं कुछ अजीब सा नाम था उसने पता नहीं एक ऐसी कस्पिरेसी थ्योरी मार दी उसने कहा कि मेरे ये लिटुनी भाई पता नहीं वो झूठ बोल रहा था या वाकई इतना बेवकूफ था वो कहता है ये हारिस और ग़ालिब मैं इनको YouTube पर सुन रहा था तो मेरे WhatsApp पे कॉल आ गई तो ये YouTube से मेरे WhatsApp में कैसे घुस गए तो मैंने वो ऑन कर दिया कैमरा वो क्लिप है मेरे पास वो चलाऊंगा नहीं कोई खतरा ना हो जाए बड़े दो नंबर है ये लोग जान के बेट मारते हैं इस तरह की तो वो उसने वो किया के जी ये अंदर के ना इन्होंने हमारी तस्वीरें ले ली हैं ये हारिस और ये कहा हारिस आई एस आई के लिए काम कर रहा तो यानी ऐसी ऐसी छोड़ेंगे ऐसी ऐसी छोड़ेंगे गपे यार अब क्या करें इनका तो हारिस ऐसी ही जिनका दिमाग ऐसा होता है ऐसी ही लोगों को आप बेच सकते हो अब आपका मेरा गालिब का टारगेट क्या है हमारा टारगेट है टू एजुकेट मुसलम्स मुसलमानों को हम एजुकेट करें इस्लाम एंड मगर कि हमारा ज्यादातर तो टॉपिक इस्लाम होता है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट हम पर दह, एक हजार हिंदू बैठा कर उनको क्या सिखा रहे हैं

जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो ना दिस इज हम जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम आप खराब करते हो जब आप जा गालियाँ लिख रहे होते हो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री तो सेम थिंग इंडियन आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और दिखा रहे हो हैं जो कोई आके इंटरनेट पे डॉक्टर बोल देते हम उसको डॉक्टर भी मान लेंगे अदरवाइज एपी को भी पता है कि जब लोग क्लाउड हासिल करने के लिए आ रहे होते हैं ये हर जगह चीज है हारिस तो तो एक क्विक चीज है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जैसे ये लोग है ना सारे जो हिंदुत्व वाले कुरान वाले ये देसी एथियस उनको कहते हैं जो इनके सनातन का जो हनुमान पर सवाल ना करे अब सच वाला सब सवाल नहीं करते तो वो अच्छे एथियस्ट है हम सवाल करते हैं इनकी जिहालत पर हम बुरे एथियस्ट हैं सच वाला साहब खैर इनकी ओए यार छोड़ो इनको आई एम डन विद देम डोंट वरी अबाउट इट ओके डोंट वरी चलो ठीक है ओके चलो गाइस बाय टेक केयर मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं